हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक है अट नहीं रही है। यह कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के सर्वोच्च कवियों में समाहित हैं। ये छायावादी कवि हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 1899 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता से उद्धृत है। यहाँ फागुन मास की मादकता और उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि फागुन की मादकता कहीं समा नहीं रही है। फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का सजीव चित्रण इस कविता में किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं यह कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला पद है अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन
और वनस्पतियों में पत्ते और फूल निकल आते हैं। पत्तों से लतीदार अर्थात पेड़ों में नए नए पत्ते निकल आते हैं, कहीं हरे कहीं लाल। तो किसी पेड़ की पत्ती हरी होती है और किसी पेड़ की पत्ती लाल होती है। तो जब नए पत्ते पेड़ में निकलते हैं उनकी शाखाओं में उनकी डालियों में, तो किसी पत्ते का रंग हरा होता है किसी का लाल होता है। तो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में पेड़ों की जो शाखाएं हैं वे लाल और हरे पत्तों से लद जाते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ होता है हृदय। मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध का अर्थ होता है मंद सुगंधित वायु। पुष्पमाल का अर्थ होता है फूलों। आज हम यही पाठ समाप्त।